दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज हम बात करेंगे कि दो रूम पे यानी हाइट बीम यानी जिसको हम टॉप बीम भी बोलते हैं, छत बीम भी बोलते हैं, जो दोस्तों अपने दीवारों का कार्य हो जाने के बाद उस पर हम डलवाते हैं। तो दोस्तों उसका कितना खर्चा आएगा, उसमें क्या क्या मटेरियल लगेगा, उसके विषय में दोस्तों आज मैं आपको जानकारी देने वाला हूँ। साथ ही साथ दोस्तों मैं आपको ये भी बताऊँगा, क्योंकि दोस्तों ये जो डाउट हैं, जो संशय हैं, हर किसी के मन में बना रहता है। क्योंकि दोस्तों RCC का जो वर्क होता है कहीं ना कहीं खर्चीला होता है, महंगा होता है। तो हमारे मन में कहीं ना कहीं आता है कि क्या हम टॉप बीम जो हाइट बीम हम डलवा रहे हैं उसके बिना भी छत का कार्य करवा सकते हैं। अगर करवा सकते हैं तो क्या हमें नुकसान आगे भविष्य में देखने को मिलेगा, और अगर हम करवाते हैं तो उसका क्या हमें फ़ायदा मिलने वाला है, उस पर भी डिटेल में दोस्तों मैं आपको जानकारी बताने वाला हूँ। ठीक है, तो दोस्तों इसमें क्या क्या मटेरियल लगेगा वो मैं आपको पहले बता देता हूँ। तो दोस्तों इसमें लगने वाला है अपना सेंट यानी बॉल रेत, यानी कि बहुत सी जगह दोस्तों इसको हम बजरी भी बोलते हैं। तो ये कितना लगेगा, एग्रीगेट यानी गिट्टी यानी कि रोड़ी, सीमेंट, स्टील यानी कि सरिया, और सबसे महत्वपूर्ण जो मटेरियल है दोस्तों कोरबल के विषय में दोस्तों बात करेंगे, और लेबर कॉस्ट कितना रहेगा उस पर भी डिटेल में हम बात करने वाले हैं अपने दो रूम की हाइट लेवल जो हाइट भी में उसको डलवाने में। दोस्तों ये हैं जो मेटल अपने टॉप बीम में लगने वाला है। और क्या दोस्तों हम जो बीम प्रोवाइड करते हैं वो करवाना चाहिए या फिर नहीं करवाना चाहिए, उस पर डिटेल में बात कर लेते हैं। दोस्तों जैसे कि आप अगर बीम प्रोवाइड करते हैं तो एक सबसे बड़ा फ़ायदा अपने को ये देखने को आता है इसमें कि जो जो दीवारों का जो जॉइंट होता है दोस्तों, ठीक है, जो पकड़ बनी रहती है, ये जो बीम प्रोवाइड करते हैं उसे दोस्तों वो पकड़ बनी रहती हैं। चाहे दोस्तों आप अपना जो रूम है कॉलम बीम में बनाएं या फिर ट्यूब में बनाएं, तो दोस्तों आप अगर टॉप बीम प्रोवाइड करते हैं हाइट बीम, तो ये फ़ायदा आपको भविष्य में देखने को मिलेगा। क्योंकि दोस्तों होता क्या है, जो जॉइंट अपना होता है मकान जो अपने रूम का, वो उस समय के पश्चात दोस्तों जब न्यू अपना बैठता है तो जो वहीं से दोस्तों क्रैक्स आ जाते हैं, तो उस प्रकार की समस्या से आप बच सकते हैं। दूसरा दोस्तों, जब भी हम अपना छत का कार्य करवाते हैं अपने दो रूम के ऊपर और हाइट बीम अगर नहीं डला हुआ होता है, तो दोस्तों उस स्थिति में जो छत है अपना वो आगे भविष्य में झुकने का बैठने की समस्या बना रहता है, तो उस प्रकार की समस्या से भी आप बच सकते हैं। तीसरी सबसे बड़ी बात दोस्तों, जो हम अपना रूम के आगे जो इस प्रकार से छज्जा निकाल कर छत का कार्य करवाते हैं, तो वो भी दोस्तों यहाँ पर अपने को फ़ायदा देता है। तो दोस्तों ये है जो टॉप बीम है, तो इस प्रकार की सुविधा से हम वंचित रह जाते हैं, और कहीं ना कहीं जो लाखों रुपए का जो खर्च कर छत का कार्य करवा रहे हैं उसका हमें ज़्यादा समय तक लाभ नहीं मिल पाता है। तो दोस्तों आप हाइट बीम, टॉप बीम यानी कि छत बीम आप जरूर से जरूर देवेगा, जो कि मैंने आपको बता दिया है कि इसके फ़ायदे और आपको नुकसान के विषय में भी अवगत करा दिया है। अब देख लेते हैं दोस्तों इसमें कितना मटेरियल लगने वाला है, कितने कितने रुपये का लगने वाला है। दोस्तों सेंट यानी बॉलरत की अगर बात करें यानी कि बजरी की, तो क्यूबिक फीट की अगर बात करें तो 50 क्यूबिक फीट लगेगा, और जो मिस्त्री ठेकेदार जो लोग जो तगारी यूज़ करते हैं अगर उसकी बात करें दोस्तों, तो आप उसे 100 तगारी मान के चल सकते हैं। ये तगारी की साइज़ पर निर्भर करता है दोस्तों। और भाव की अगर बात करें तो इसका भाव चल रहा है 60 रुपये पर क्यूबिक फीट के हिसाब से, क्योंकि दोस्तों हमारे इसमें 3000 रुपये का सेंट यानी कि बॉलरत यानी कि बजरी बनता है। आगे बात करेंगे दोस्तों एग्रीगेट यानी गिट्टी के विषय में, तो भी दोस्तों आपको सेम क्वांटिटी इसकी रहने वाली है, यानी कि 50 क्यूबिक फीट तगारी भी सेम रहेगी दोस्तों। और रेट की अगर बात करें तो इसका रेट है 50 रुपये पर क्यूबिक फीट के हिसाब से मिल रहा है, जो कि दोस्तों हमारे 2500 रुपये का इसमें आने वाला है। और आगे बात करेंगे दोस्तों सीमेंट के विषय में, तो सीमेंट इसमें अपना लगने वाला है 10 बैग सीमेंट लग जाएगा। भाव की बात करें तो 360 रुपये पर बैग के हिसाब से ये मिलता है, 3600 रुपये का दोस्तों हमारे इसमें ये बनता है। आगे बात करेंगे दोस्तों स्टील यानी सरिया के विषय में, तो सरिया इसमें आपके लगने वाला है 16 नग। और वेट की अगर बात करें तो अगर आप 10 mm का लगाते हैं सब सरिया, तो 1 क्विंटल 12 किलोग्राम दोस्तों ये वजन आपके बैठने वाला है। और यदि आप फुली 12 mm का सरिया यूज़ करना चाहते हैं तो 1 क्विंटल 60 किलोग्राम दोस्तों आपके सरिया का वजन बैठेगा दोस्तों। और रिंग की अगर बात करें तो रिंग का सरिया अगर आप रिंग बनी बनाई लाते हैं, ठीक है, अगर आप नग लाते हैं सरिया का, तो 10 नग लगेगा। और एक नग में दोस्तों वजन आता है 5 किलो का, जो कि दोस्तों हमारे 50 किलो
रिंग का सरिया लगता है, ठीक है। और रिंग का जो साइज़ है दोस्तों वह है 6-10 का रिंग, ठीक है। और इसमें दोस्तों जो हमारा टॉप बीम जो हम प्रोवाइड करेंगे उस पर जो भराया क्रम करते हैं, जैसे कि इस प्रकार से ये 10 इंची ऊंचाई वाला अपना रिंग बना हुआ है, ठीक है, अपने बीम का। दोस्तों इसमें 8 इंच की भराई अपने को करना है, इस प्रकार से 2 इंच अपने को खाली रखना है ये शेष, जो कि दोस्तों इससे होता क्या है कि अपने जो छत के जो सरिये हैं इसमें प्रॉपर तरीके से आ जाते हैं, जो कि दोस्तों अपने छत को कहीं ना कहीं जकड़े रखता है, पकड़े रखता है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप कार्य करवाएं। और दोस्तों ये हम जोड़ते हैं 50 किलो ये और 1 क्विंटल 12 किलोग्राम ये, तो टोटल दोस्तों हमारे इसमें 1 क्विंटल 62 किलोग्राम सरिया अपना लग जाता है, ठीक है। दो रूम यानी कि इस प्रकार से, जैसे कि दो रूम बने हुए हैं, इस प्रकार से दो रूम की चौकड़ी को बनाने में, और आगे जो दोस्तों इस प्रकार से छज्जे निकालेंगे उसका भी मैंने इसमें कैलकुलेशन कर लिया है। भाव की बात करें तो अभी चल रहा है 65 का, ठीक है, पर किलो के हिसाब से 10,530 रुपये का आपके सरिया बनता है। आगे बात करें दोस्तों कोर ब्लॉक के विषय में, जो कि बहुत ही अहम उपयोगी होता है दोस्तों। दोस्तों कोर ब्लॉक जो कि हम अपने जो ये रिंग बने हुए हैं, जो बीम अपना बना हुआ है अपने दीवारों पर, हम इस प्रकार से डालते हैं तो यहाँ पर लगता है दोस्तों सरिये के नीचे, जिससे कि दोस्तों अपना जो कंक्रीट है प्रॉपर तरीके से अपने बीम अपने कॉलम के नीचे अपने बीम के नीचे आ जाए, जिसकी दोस्तों मजबूती बनी रहे, मजबूती बढ़ जाए, ठीक है। तो इस प्रकार से आप कार्य करवा सकते हैं। किस तरह से लगाते हैं दोस्तों यहाँ मैं वीडियो भी मेंशन कर दूंगा, ताकि दोस्तों आप वहाँ से भी नॉलेज ले सकेंगे। दोस्तों ये लगेगा आपके सोना का आता है मात्र 2 रुपये का एक, जो कि दोस्तों आपके केवल 200 रुपये का बनता है। आगे बात करें दोस्तों लेबर मिस्त्री का खर्चा, जो कि दोस्तों रनिंग फिट के हिसाब से लेते हैं, तो दोस्तों उसका रेट है 80 रुपये पर रनिंग फिट के हिसाब से, जो कि दोस्तों ये अपने दो रूम है, इसकी जो चौकड़ी इस प्रकार से हम डाल रहे हैं ये वाली, ठीक है, छज्जे सहित, तो टोटल लगभग अपने 100 फिट हो जाता है, ठीक है, रनिंग में, जो कि 8,000 रुपये का खर्चा हमारे लेबर मिस्त्री का बन जाता है। दोस्तों इसका जो हम बीम प्रोवाइड कर रहे हैं इसका एक फ़ायदा ये भी है, अपना जो रूम का हाइट थोड़ा बढ़ जाता है, ठीक है, जहाँ दोस्तों हम ईंट लगाकर रूम का हाइट कवर करते हैं उस प्रकार से थोड़ा इसका भी अपना ये प्रोवाइड करते हैं, तो इससे भी थोड़ा अपना हाइट बढ़ जाता है। सभी खर्चा अगर हम जोड़ते हैं दोस्तों तो टोटल खर्चा आपके इसमें आने वाला है, वो आएगा दोस्तों 23,630 रुपये का, दोस्तों आपके इसमें खर्च आने वाला है। तो रूम की छत ढलाई में कितना खर्चा आता है उस पर भी मैंने वीडियो बना रखा है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, वहाँ से आप वीडियो देख सकते हैं। फिलहाल के लिए दोस्तों इतना ही। यदि आपको वीडियो में जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।